नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के विभिन्न कांग्रेस नेताओं के आवासीय और कार्यालय के पते पर चल रहे छापे को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वह इसका दुरुपयोग कर रही है। खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, रायपुर में कांग्रेस के आम अधिवेशन से पहले मोदी सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस नेताओं पर छापा मारना भाजपा की कायरता को दर्शाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे आरोप लगाया कि पिछले 9 वर्षों में ईडी द्वारा किए गए 95% छापे विपक्षी नेताओं पर थे, जिनमें ज़्यादातर कांग्रेस के थे। खड़गे ने ट्वीट किया और लिखा कि हम इन कायरतापूर्ण धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस के दिग्गज सांसद ने कहा, अगर मोदी जी इतने ही ईमानदार हैं तो अपने अच्छे दोस्त के मेगा घोटाले पर छापा मारो, भाजपा दिखाई दे रही है। खड़गे ने कहा, लोकतंत्र को कुचलने की इस कोशिश का हम डटकर मुकाबला करेंगे। इससे पहले दिन प्रवर्तन निदेशालय एंड आयोजित किया गया था। इसके पहले दिन में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एड आयोजित किया था। कथित ईडी खनन और कोयला लेवी घोटाले के संबंध में छत्तीसगढ़ में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर नए सिरे से तलाशी ली गई। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।